Hello friends, welcome back to everstudy classes. As you know that we are running a 5-minute series on a platform for NET and SET commerce and management exam, and the topic for today's discussion is e-commerce. इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए, जो है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, टेस्ट सीरीज जिसमें हमारे पास 3500 प्लस MCQs हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियो कोर्स, फुल वीडियो कोर्स एंड ऑल पेपर 2 कोर्सेज कॉम्बो। इसके अलावा पेपर 1 जनरल पेपर के लिए भी मिनी कॉम्बो पैक हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। सो व्हाट इज़ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का ये मतलब है कि हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज और सेल कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट। मनी, फंड्स और डेटा का ट्रांसफ़र भी ई कॉमर्स में इंक्लूड होता है। तो जब आप फ्लिपकार्ट से बुक्स परचेज करते हैं तो आप ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट पर सेलर से इंटरैक्ट करते हैं, आप दोनों के बीच में डेटा एक्सचेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, टेक्स्ट एंड एड्रेस फॉर डिलीवरी, एंड देन यू मेक द पेमेंट। ई कॉमर्स में और भी कई सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, जैसे कि ऑनलाइन ऑक्शंस, इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवेज एंड ऑनलाइन टिकटिंग। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ई कॉमर्स मॉडल्स। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम ई कॉमर्स के 5 मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मॉडल्स हैं बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, पीयर टू पीयर एंड मोबाइल कॉमर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल्स की। यहाँ पर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शंस करता है। बेसिकली कंपनीज एक दूसरे के साथ बिजनेस करती हैं और कोई भी फाइनल कंज्यूमर इन्वॉल्व्ड नहीं होता। यहाँ पर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वो मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स के बीच में होती है। हमारे पास 3 टाइप्स के B2B ई कॉमर्स मॉडल्स हैं, तो आइए इन तीनों मॉडल्स को अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सप्लायर ओरिएंटेड और सप्लायर सेंट्रिक मॉडल। इस मॉडल में सप्लायर्स अपने प्रोडक्ट्स के डोमेन में एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस सेट करते हैं। यहाँ सप्लायर्स बायर्स की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस और प्राइसिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है बायर ओरिएंटेड और बायर सेंट्रिक मॉडल। ये मॉडल जनरली बड़े बिजनेस के लिए होता है जो बहुत ही हाई वॉल्यूम परचेज करते हैं और उनकी परचेजिंग कैपेसिटी भी काफ़ी हाई होती है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म सेट करके कोटेशंस के लिए रिक्वेस्ट प्लेस करती है। सेलर्स ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट करते हैं और अपने ऑफ़र के साथ ऑनलाइन बिड प्लेस करते हैं। उसके बाद जो भी ऑफ़र ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को सूट करता है वो उसे सिलेक्ट करती है। यहाँ पर पूरा परचेज प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की हेल्प से परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरमीडियरी ओरिएंटेड और इंटरमीडियरी सेंट्रिक मॉडल। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मेकर एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे बायर्स और सेलर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सके और उनके बीच में ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट की जाएं। जो मार्केट मेकर है वो जनरली उस स्पेसिफिक सेगमेंट का इंटरमीडियरी होता है जो बहुत ही क्विकली, कन्वीनियंटली और इनएक्सपेंसिवली बायर्स और सेलर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल। यहाँ पर कंपनी अपने गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स को सेल करती है। कंज्यूमर वेबसाइट को ब्राउज करके प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स देख सकते हैं और उनके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं और उसके बाद वो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। कंपनी उन गुड्स को डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुँचाती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ B2C ई कॉमर्स मॉडल्स। सबसे पहले बात करते हैं ई रिटेल और ई टेलिंग के बारे में। ई रिटेल में कंपनी अपने गुड्स और सर्विसेज को बिना किसी इंटरमीडियरी के इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को सेल करती है यूजिंग द इंटरनेट। नेक्स्ट आता है ब्रिक एंड क्लिक रिटेल। ब्रिक एंड क्लिक रिटेल का ये मतलब है कि कंपनी का एक स्टोर है जहाँ पर आप जाकर प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं, और इसके अलावा वो ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स सेल करती है जहाँ पर आप सिर्फ एक माउस क्लिक से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्चुअल मॉल्स। वर्चुअल मॉल एक वेबसाइट है जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स को एक ही वर्चुअल या फिर ऑनलाइन लोकेशन पर एक साथ लेकर आती है। जैसे कि रियल वर्ल्ड शॉपिंग मॉल में एक ही जगह पर अलग अलग रिटेल स्टोर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल। C2C ई कॉमर्स मॉडल में कंज्यूमर्स एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, यहाँ पर कोई भी कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती। C2C के थ्रू लोग अपने पर्सनल गुड्स को डायरेक्टली इंटरेस्टेड पार्टी को सेल करते हैं। जैसे OLX पर एक कंज्यूमर अपनी पुरानी कार सेल करने के लिए ऐड देता है, अब वो खुद भी तो कोई बिजनेस या कंपनी नहीं है, वो भी एक कंज्यूमर है और आगे भी वो अपने प्रोडक्ट्स एक कंज्यूमर को ही सेल कर रहा है। यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो सकता और पेमेंट की भी कोई गारंटी नहीं होती। नेक्स्ट आता है पीयर टू पीयर ई कॉमर्स मॉडल। P2P सर्विस में पार्टीज आपस में डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करती हैं और यहाँ पर कोई भी इंटरमीडियरी उनके बीच में इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे टॉरेंट से हम वीडियो डाउनलोड करते हैं या फिर ई बुक्स परचेज करते हैं। P2P प्लेटफॉर्म्स ऑफर सर्विसेज सच एज पेमेंट प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन अबाउट बायर्स एंड सेलर्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस टू देयर यूजर्स। नेक्स्ट आता है मोबाइल कॉमर्स। जब हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल या परचेज करते हैं यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस सच एज सेल फोन्स और टैबलेट्स, तो हम उसे मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। यहाँ हमें पूरा ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस मिलता है बट विद ऑल द कन्वीनियंस ऑफ बीइंग ऑन अ सेल फोन और टैबलेट। कंपनीज़ को मोबाइल कॉमर्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि आज सबके पास मोबाइल फ़ोन है और लोग अपने फ़ोन्स या फिर टैबलेट्स में ही इंटरनेट चलाना प्रेफर करते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट ई कॉमर्स। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन रीच अस एट द डिटेल्स मेंशन ऑन योर स्क्रीन. You can download the PDF of this video from our Telegram channel and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.